हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज मैं फिर आपके लिए एक लेकर आई हूँ छोटा सा पपल हॉल। जी हाँ, मैंने पपल से कुछ फेस पैक्स मंगाए हैं। जी हाँ, ये ड्राई फेस पैक हैं जो मैंने मंगाए हैं अल्फ गुडनेस ब्रांड के। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो मेरा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है अल्फ गुडनेस का प्लस स्वीट लव वाइल्ड टर्मरिक। जी हाँ, ये एक वाइल्ड टर्मरिक है। हमें फ्रेंड जो घर की जो हल्दी होती है वो फेस पे कभी भी अप्लाई नहीं करनी चाहिए। उसे उसकी जगह पर हमें ये जो वाइल्ड टर्मरिक है, जिसे हम कस्तूरी हल्दी भी कहते हैं, जी हाँ, हमें ये वाला हल्दी पाउडर ट्राई करना चाहिए। इसमें है ये इट सेज इम्प्रूव स्किन कॉम्प्लेक्शन, रिमूव एक्सेस ऑयल फ्रॉम स्किन, हेल्प ट्रीट डैंड्रफ। जी हम इसे अपने जो बालों में भी लगा सकते हैं, अपने जो भी जो हम हेयर पैक्स लेते हैं उसमें भी हम इसे हल्का सा ऐड करके लगा सकते हैं। 100% प्योर नेचुरल केमिकल फ्री है ये प्रोडक्ट। तो ये 50 ग्राम का जो पैकेट है, ये मैंने 75 का लिया था पर्पल से। दैन मेरा अगला जो प्रोडक्ट है वो है ये अल्फ गुडनेस का सैंडलवुड पाउडर। इट सेज रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट, इट्स डिले साइन ऑफ एजिंग, प्रोमोट्स स्किन रेडियंट एंड इट्स हेल्प लाइटनिंग डार्क स्पॉट्स, हेल्प इम्प्रूव हेयर ग्रोथ। जी हाँ, ये हम अपने जो हेयर ग्रोथ जो होती है उसको भी इम्प्रूव करता है। 100% ऑर्गेनिक है। देन मेरा जो अगला प्रोडक्ट है वो है ये बबूल लीफ। जी हाँ, ये बबूल लीफ का पाउडर है, बबूल ब्लात करके जो है। इट सेज कंटेन्स की स्किन प्योरीफाइंग प्रॉपर्टीज, हेल्प कंट्रोल हेयर फॉल, सूदिंग टू द स्किन। 100% ऑर्गेनिक है ये प्रोडक्ट भी। देन मेरे पास जो अगला प्रोडक्ट है वो है ये नीम का पाउडर। जी हाँ, ये नीम पाउडर है एंड इट्स हैज़ एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगस प्रॉपर्टीज, हेल्प फाइट एंटी एजिंग। जी हाँ, और ये भी 100% ऑर्गेनिक है। देन मेरा जो अगला प्रोडक्ट है वो है ये वीटरूट पाउडर। जी हाँ, इट्स नर्सिंग द हेयर फॉलिकल्स, प्रिवेंट प्री मैच्योर ब्लीडिंग एंड हेयर लॉस, ब्राइटनिंग स्किन कॉम्प्लेक्शन। ये भी 100% ऑर्गेनिक है। एंड देन मेरा जो अगला प्रोडक्ट है वो है ये गुड वाइब्स का बैम्बो शीट मार्क्स है। फ्रेंड जी हाँ, मैंने कभी शीट मार्क्स ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम परचेज़ किया है और अभी तक मैंने इसे ट्राई नहीं किया। तो इसे मैं ट्राई करके देखती हूँ, फिर बताती हूँ आपसे कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहा। तो ये इस तरीके से है एंड ये शायद मुझे पड़ा था समथिंग 75 समथिंग ही ये मुझे पड़ा था। तो ये मेरे पास है एक अल्फ गुडनेस का सैफ्रॉन। जी हाँ, ये ग्लो सीरम है सैफ्रॉन का। ये भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो ये भी मैंने अल्फ गुडनेस से ही मंगाया था। इट सेज एड ऑफ नेचुरल ग्लो ऑफ द स्किन, हेल्प रिड्यूस ब्लेमिशेस एंड स्किन टाइटनिंग। जी हाँ, स्किन को टाइटनिंग भी करता है। और ये मुझे पड़ा था 100 का। जी हाँ, ये 100 का मुझे पड़ा था। सो आई हैव मिस्ड माई ऑल प्रोडक्ट। आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा पर्पल हॉल पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। जी हाँ, और अपने प्लीज़ कमेंट्स में मुझे जो भी आपके सजेशन है वो मुझसे आप शेयर करें, जिससे कि मुझे भी पता लगेगा कि हाँ, अगर आप मुझसे कोई भी प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग या किसी के रिगार्डिंग कोई सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं, तो मैं उसके लिए भी आपसे अपनी जो वीडियो है वो बना के आपके साथ शेयर करूँगी। और आप मुझे प्लीज़ जो भी आपके सजेशंस हैं वो प्लीज़ मुझे मेरे साथ शेयर करें, जिससे कि मुझे पता लगे कि हाँ, मेरा जो भी मैं मेरी मेहनत है या जो भी है आपको पसंद आ रहा है या नहीं। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सब लोग प्यार से रहिए, एक साथ अच्छे से रहिए और जो भी आपका मन करे आप वो करिए, प्यार बांटिए, खुश रहिए, सब लोग साथ में रहिए। जी हाँ, तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।